हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग इस वीडियो में। तो कुछ इस प्रकार का फुल एचडी महाशिवरात्रि फोटो एडिट करने के लिए वीडियो क्लास ली हुए हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड हमें क्या करना होगा, हमें अब ऐप का जरूरत पड़ेगी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जो आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने इस वाले बैकग्राउंड को चलना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। यह हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जो हमारा बैकग्राउंड है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा इसको हम भगाएंगे। भगाने के बाद यहाँ पर जो लिखा ऐड फोटो, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने फोटो कर लेना ऐड, यार हमारा फोटो इस जो ऊपर जो ऐड वाला कोने में जो ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जूम करके इसको लगा लेना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड हम जाएंगे दोबारा प्लस वाले आइकन पर जो नीचे दिया, इस पर क्लिक करके जाएंगे ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने का हमें इस वाले PNG को लेना ऐड, ऊपर जो ऐड वाला ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको हमें लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना होगा, हम दोबारा जाएंगे प्लस वाले आइकन पर, उसको जाएंगे हम ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद हमें इस वाले PNG को लेना है ऐड, ऊपर जो ऐड वाला ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको हमें लगा लेना है, कुछ इस प्रकार से। लगा लेने के बाद ऊपर जो बिंदी दिख रहा है, इस वाले बिंदी पर हमें क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसे नीचे कर देना है। उसके बाद फ्रेंड हमें जाना है प्लस वाले आइकन पर, उसको जाएंगे हम दोबारा ऐड वाले फोटो पर। ऐड फोटो पर, ऐड फोटो पर जाने के बाद हमें इस वाले PNG को लेना है ऐड। फ्रेंड इस वाले PNG को भी, ये हमारा PNG, इस वाले PNG को लेते हैं हम ऐड। उसके बाद जूम करके कुछ इस प्रकार से इसको हमें लगा लेना है। लगाने का हम जाएंगे प्लस वाले आइकन पर, उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने का हमें इस वाले PNG को लेना है ऐड, ऊपर जो ऐड ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो ब्लैक है, इसको हम हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से इसको थोड़ा हम भगाएंगे। भगाने के बाद यहाँ जो लिखा है ब्लेंड, इस पर हम क्लिक करके यहाँ से कर देंगे इसको स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक था वो हट चुका है। इसका इसको कुछ इस प्रकार से हमें इसको लगा लेना है। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे प्लस वाले आइकन पर, उसके बाद जाएंगे हम ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद इस वाले PNG को लेना है ऐड, ऊपर जो ऐड वाला ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आप देख सकते हैं जो ब्लैक है उसको हटाने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा इसको भगाएंगे। भगाने के बाद यहाँ पर जो लिखा है ब्लेंड, इस पर हम क्लिक करके कर देंगे इसको स्क्रीन। तुम्हारा जो ब्लैक था वो हट चुका है। इसके बाद हम जाएंगे इरेजर ऑप्शन पर, उसका जो कुछ इस प्रकार से कर लेना है, जहाँ इरेजर लिखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे कुछ प्रकार इस प्रकार से इरेज, जो हमारे चेहरे पर पड़ चुका है इफेक्ट। तो आप जहाँ जहाँ का इरेज करना चाहते हैं फ्रेंड इरेज कर देंगे। उसका हमें क्या करना होगा, यहाँ से कर देंगे इसको हम सही, ऊपर जो सही दिया है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा फोटो कितना बढ़िया लग रहा है। अब इस फोटो को हमें अपने गैलरी के अंदर सेव करने के लिए ऊपर से वाला ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर जो तीर वाला ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे से वाला ऑप्शन दिया, इस पर जो हम क्लिक कर देंगे तो हमारा फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।